हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैन व्हेन विल सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफ एमएनएस 2023 विल रिलीज, और इट विल रिलीज और नॉट, मतलब रिलीज होगी भी या नहीं, तो ये डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज आप लोगों में से बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि मैम सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कि आएगी कि नहीं, एंड आएगी भी तो कब आएगी, अगर नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट डिस्कस दैट। और ये चीज़ ना मुझे डिस्कस करनी पड़ रही है बिकॉज इस बार जो लिस्ट है उसमें, मतलब पिछली बार दो लिस्ट आई थी एक साथ, कंफर्मेशन लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट, ठीक है, बट इस बार सिर्फ एक ही लिस्ट आई है ना। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि अगली लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी ना, क्योंकि बहुत से बच्चों, मतलब जिनका नंबर नहीं आया, कुछ का आया है कुछ का नहीं आया, तो जिनका नहीं आया वो इस टाइम बहुत बरेड हैं। एंड अभी तक मैं सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, मतलब कि एमएनएस के रिगार्डिंग ही दे रही थी कि क्या पहन के जाना है, क्या लेके जाना है, और किस तरीके से वहाँ सब कुछ होगा, प्रोसेस वगैरह, डेंटल चेकअप कैसे होगा या मेडिकल एग्ज़ाम मतलब कैसे होंगे वहाँ, और मॉक टेस्ट वगैरह। तो अगर किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं या किसी को कोई डाउट है, डाउट डिस्कशन है उनके, तो मैं सारी वीडियोज़ की लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो अगर किसी को वो वीडियोज़ वगैरह चेक करनी हो तो चेक कर लेना, आपके सारे डाउट जो होंगे वहाँ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं। अब पहले तो ये देखते हैं कि लास्ट ईयर उन्होंने कितने बच्चों को बुलाया था। तो लास्ट ईयर उन्होंने टोटल 4 लिस्ट जो थी मेरिट लिस्ट वो रिलीज़ करी थी, नॉट मेरिट लिस्ट, एक्चुअली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट। तो लास्ट ईयर उन्होंने 4 लिस्ट को रिलीज़ किया था। तो फर्स्ट लिस्ट में उन्होंने 1500 बच्चों को बुलाया था, ठीक है, जो कन्फर्मेशन लिस्ट थी ना उसमें 1500 बच्चे थे जिनको उन्होंने बुलाया था, एंड जिनका इंटरव्यू जो था वो 1st लिस्ट में 1500 बच्चों को लाए जिनका इंटरव्यू जो था 10 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक था, ठीक है, ये फर्स्ट मतलब कंफर्मेशन लिस्ट वाले बच्चे हैं। ठीक, फिर कंफर्मेशन लिस्ट के टाइम पर ही उन्होंने, मतलब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो फर्स्ट आई थी ना कंफर्मेशन लिस्ट, उसके साथ में उन्होंने एक वेटिंग लिस्ट रिलीज़ करी थी जिसमें टोटल 920 बच्चे थे, मतलब कि 920 बच्चों को उन्होंने बुलाया था वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट का इंटरव्यू कब से कब तक था, वो था 28 अक्टूबर से और 3 नवंबर तक, ठीक है, तो 3 नवंबर तक वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का था, ठीक है। और फिर उन्होंने मतलब लास्ट में लिस्ट रिलीज़ करी थी जो 12 नवंबर को आई थी, एंड उसमें उन्होंने मतलब जिनका इंटरव्यू 15 नवंबर से शायद 18 या 19 नवंबर तक था, जिसमें टोटल बच्चे 3rd और 4th दोनों शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट को मिलाकर टोटल 512 बच्चे थे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जब आप टोटल करोगे ना तो 2932 मार्क मतलब बच्चे आएंगे, मतलब इतने कैंडिडेट्स उन्होंने लास्ट ईयर शॉर्ट लिस्टेड किए थे, एंड इतने कैंडिडेट्स के लिए लास्ट ईयर उन्होंने 4 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो थी वो रिलीज़ करी थी, ठीक है। बट इस बार का सिनेरियो कुछ अलग है, मतलब आप सब लोग जानते ही हैं कि मतलब इस बार का सिनेरियो का है क्या है। तो इस बार का सिनेरियो के देखते हुए मतलब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं जिनका मतलब नहीं आया अभी मेरिट लिस्ट में, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में नाम, कि मैम आगे लिस्ट आएगी भी कि नहीं आएगी, और हमें प्रिपरेशन अभी मतलब एमएनएस की कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर हमें नीट की मतलब 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज लास्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर भी एमएनएस 2024 जो है वो नीट के थ्रू ही होगा, जो आपके नीट के मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग ही मतलब आपको वहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड करके एमएनएस के सीबीटी एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका वहाँ पर मेडिकल एग्ज़ाम होगा, सीबीटी का एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, देन आपको मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे सबसे तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए मतलब सिलेक्ट किया जाएगा, फिर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रोसीजर्स होती हैं, तो इसलिए मतलब वो बहुत सारे बच्चे अभी वरीड हैं जिनका नहीं हुआ है इस बार, मतलब एमएनएस की शॉर्ट लिस्टेड में नहीं आया नाम, कि हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। तो उनके लिए मेरे को एक प्लस और मतलब माइनस दोनों फैक्टर्स हैं। माइनस तो आप देख ही रहे हैं कि पिछली बार टोटल कितने बच्चों को लाया था, 2932, और इस बार पहली लिस्ट में ही उन्होंने 3080 स्टूडेंट्स को ला लिया है। तो अगर ये देखा जाए तो नहीं आएगी लिस्ट, मतलब जितनी उन्होंने स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उन्हें कितने बच्चे चाहिए, 220, तो 3080 में से 220 सिलेक्ट करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और सारे बच्चों के मार्क्स मतलब मोस्टली हायर ही हैं, तो इतने 220 बहुत कम सीट्स होती हैं 220,
तो 3080 में से उनको इतनी सीट जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, अब तो जनरल और ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस के वालों के लिए तो कोई लिस्ट नहीं आने वाली है, तो वो तो अपनी नीट 2024 की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, कोई लिस्ट नहीं आएगी, टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब रही बात SC ST वालों की, तो ST ST वालों के लिए चांस है, बिकॉज लास्ट ईयर उन्होंने ST ST और NCC कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन रहता है ना, तो हो सकता है कि उनके लिए एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई जो रिजर्वेशन वाली हैं। रिजर्वेशन की भी वीडियो मैंने मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो अगर किसी को डाउट है कि रिजर्वेशन कितना होता है कैसे होता है तो वो वीडियो चेक कर लेना, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार मतलब कि ये रहेगा कि अगर SC ST के लिए, अगर क्योंकि मेरे बहुत सारे कमेंट आए हैं मेरे पास में, जो मेरी वीडियोस में कमेंट्स आते हैं उनमें मैंने पूछा है कि अगर कोई SC ST वाला हो, मेरे अलावा भी बच्चों ने आपस में भी पूछा है कि अगर कोई SC ST वाला हो या NCC वाला हो तो प्लीज़ हमें बता दीजिए कि आप हम इतने हैं और मतलब हमारा शॉर्ट लिस्ट में नाम आया, बट कोई मतलब बताता ही नहीं है कि वो SC ST में है या नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है यार, अगर हो ना तो कोई यार इसमें बुराई क्या है, मुझे तो ये नहीं दिखता, कास्ट ही तो है। ठीक है, मैं जनरल से हूँ, मुझे बताने में प्रॉब्लम नहीं होती। जो OBC वाला बच्चा है OBC बताने में उसे प्रॉब्लम नहीं होती है, EWS वाले को EWS बताने में प्रॉब्लम नहीं होती है, जो NCC का है वो उसे भी प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो अगर आप ST ST में से हो तो प्लीज़ बता दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब आपको फांसी या जेल नहीं होने वाली है, आपने नहीं सिलेक्ट करी है कास्ट तो इतना सोचना नहीं होता है। ठीक है, तो अभी तक किसी ने बताया नहीं है, या तो बच्चे बता नहीं रहे या फिर बच्चों का आया नहीं है। देखो दो फैक्टर हैं, अगर आया नहीं है तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी SC ST और NCC वालों के लिए। ठीक है, और बच्चे बता नहीं रहे हैं और लेकिन इस लिस्ट में भी शॉर्ट लिस्टेड हैं वो SC ST और NCC वाले, तो फिर नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग तो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो गई, लास्ट ईयर उन्होंने 2932 कैंडिडेट्स को बुलाया था, इस बार उन्होंने पहली लिस्ट में ही 3080 कैंडिडेट्स को बुला लिया है। ठीक है, तो अगर SC ST और NCC वाले इस लिस्ट में हैं तो लिस्ट नहीं आएगी, अगर नहीं है इस लिस्ट में तो लिस्ट आएगी SC ST और NCC के लिए। जनरल वाले EWS और OBC वालों के लिए कोई लिस्ट नहीं आने वाली है, जनरल वाले EWS वाले और OBC के लिए कोई लिस्ट नहीं आने वाली है, तो वो अपनी प्रिपरेशन नीट 2024 के लिए स्टार्ट कर दो, बिकॉज MNS 2024 भी नीट 2024 के थ्रू ही होने वाला है, तो आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, इसलिए अभी से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है नीट 2024 के लिए भी। ठीक है, तो चांसेस आर रेयर दैट लिस्ट विल रिलीज, बट SC ST और NCC कैंडिडेट्स के लिए हैं, अगर वो इस लिस्ट में अगर कोई भी कैंडिडेट SC ST का नहीं है तो। ठीक है, तो दैट वॉज आई थिंक अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप कम, ऑल द वेरी बेस्ट जिनका 18 अगस्त को है, एंड जिनका 18 अगस्त को है वो प्लीज़ अपने आगे क्वेश्चन ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, हेल्प हो जाएगी। MNS के इंटरव्यू के क्वेश्चन भी शेयर करने हैं, प्लीज़ कर देना। ठीक है, बच्चे मतलब बहुत ही जिनका बाद में है ना वो मतलब उनको एंजाइटी और नर्वसनेस वगैरह हो रही है, तो थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।